Hello guys, welcome back to our channel Mr. and Mrs. Pandit, and today's vlog is not very special, just a normal vlog. And अभी बज रहा है घड़ी में I think 1:30, okay? देर बज रहा है, it's noon time, so we'll be having our lunch now. But उससे पहले मैं सोची कि आप लोगों के साथ थोड़ा बात कर लूँ. And मैं अभी अभी नहा के आई हूँ और हम यहाँ पे जो garden है हमारा छोटा सा, मतलब artificial garden, थोड़ा बहुत पेड़ असली है लेकिन वो मर चुका है. सो सैड, क्योंकि पानी मैं देना भूल जाती हूँ. एंड यहाँ पे धूप भी अभी कुछ दिनों से आ रहा है, पहले नहीं आता था, इसीलिए देखते हैं इसको फिर से जिंदा कर पाएंगे या नहीं. एंड हमारे साथ हमारी डॉटर भी यहाँ पे है, आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ये यहाँ पे हमारे साथ चिल मार रही है. देखिए मैं बोली थी ना ये चिल मार रही है यहाँ पे, तो ये अभी ऐसे होल्ड करके रह सकती है बहुत टाइम तक. तो शायद 2-3 दिन ही हुआ है ना अब कि ऐसा वो होने लगी. हाँ, पहले इतना देर तक होल्ड नहीं कर पाती है. सॉरी फॉर द नॉइज़, ये एजेल का फ्लाइट जा रहा है जो दिख नहीं रहा लेकिन साउंड बहुत करता है. एंड ये यहाँ पे धूप सेंक रही है हमारी बेटी. थोड़ा स्माइल कर दूँ, दिस इज अवर एवर स्माइलिंग डॉटर आरवी. इस मौके में अभी जो टाइम है हमारा बिजी शेड्यूल है उसमें हम दोनों खाना खा लेंगे और उसके बाद इसको खिलाएंगे. इसको खिलाना इज अ सच स्ट्रगल. आज आप लोगों को दिखाएंगे कैसे मैं इसको खिलाती हूँ. एंड इसके पापा यहाँ पे बैठ के एज यूजुअल ऑफिस कर रहे हैं, इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. कुछ तो बोलो, भूखू लगा है. आर यू हंग्री मामा? आ आ, थोड़ा सा ये निकला है इसके मुँह से, स्पिट आउट हो गया पापा. ओके, लेट मी क्लीन दैट आउट. तुम क्या कर रहे हो बोलो? ऑफिस का काम कर रहे हैं, जल्दी से खा लेते हैं. उसका बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ है, बहुत सारा काम करना है भाई को एंड मुझे भी, क्योंकि इसका ये साफ करना है. और मैं दिखाती हूँ आपको ये क्या खाएगी. अभी इसका खाना रेडी करके चली गई है, तो हम बोल चुके हैं उसको कि खाना रेडी करके आप चले जाया कीजिए, हम खिला देंगे. तो ये है इसका खाना. सॉलिड फूड खाने लगी है बिकॉज शी इज 6 months old नाउ, शी इज अ ग्रोन अप लेडी. एंड ये खाती, इसमें चावल, दाल और तरह तरह की सब्जी है. इसका रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूंगी. तो बस स्मैश करना होता है बॉईल करने के बाद. इसको मैं गरम कर लूंगी खाना खिलाने से पहले. एक बार थोड़ा सा किसी कर लेती हूँ. पापा, हाय मामा, आई एम कमिंग. ओके, चलो अभय जल्दी से खाना वाना खा लेते हैं. आज जो खाना बना है वो अभय को पसंद नहीं है. आज पूरी शाक बना है. तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में मैक्सिमम डेज वेजिटेबल्स हो घर पे, तो इसीलिए पूरी शाक हुआ, पालक साग हुआ, ये सब घर में बनाने की कोशिश करती हूँ. मतलब कुक को बोलना पड़ता है कि क्या बनाना है. तो मैं अपने जो चार्ट में वो रखती हूँ कि ताकि वेजिटेबल्स हमारे बॉडी में भी घुसे, क्योंकि हमेशा चिकन मटन खाना ठीक नहीं है. तो अब भाई बोले कि हाँ मैं वेजिटेबल खा लूँगा लेकिन उसके साथ मुझे थोड़ा सा कुछ साइड डिश चाहिए, जस्ट लाइक यू नो एग और समथिंग. इसलिए झटाझट पोच बना लेते हैं. पोच इज नथिंग बट जो रहता है ना अंडे का पोच, मतलब ऑमलेट नहीं है वो. आप लोगों को दिखाती हूँ. और उसके बाद मेरा ऑफिस भी तो चल ही रहा है, क्या बताएं. ऑफिस शुरू हो गया, दिमाग में टेंशन प्रेशर सब एक साथ और ऊपर से बच्चों को संभालना, माई गॉड. आप लोग जिसको पता है वो लोग यू नो हाई फाइव दे सकते हैं मुझे. एक अंडा हो गया है और एक अंडा इज इन प्रोग्रेस. और ये है सब्जी जो मैं बोली थी, देखने में डिलीशियस लग रहा है ना. मैं अपने कुक को सिखाई ऐसे तरीके का सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि उसको पहले नहीं आता था लेकिन अभी आता है. दाल यहाँ पे गर्म हो रहा है. तो बस यही है हमारा यू नो लंच. हम दोनों का खाना भी मैं निकाल रही हूँ, चावल तो निकाल दिए ही, अभी सब्जी निकाल लेते हैं. तो खाना खाने बैठे हैं एंड हम अपने डॉटर को वहां पे रखते हैं. रूम में बिल्कुल अकेले मत छोड़िए. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि वो गिरेगी नहीं आपके बच्चे, तो दैट्स ओके. बट ये शी इज वेरी मच नॉटी नाउ. आज का खाना है, आज का खाना तो अभय का फेवरेट है. तो कैसे खाऊंगा मैं वही सोच रहा हूँ, कैसे स्टार्ट करूँ. ये तो इसीलिए तो ये है ना तुम्हारे लिए सुंदर सा चीज दिख ही नहीं रहा. तो हम खा लेंगे, ये नखरा करते हैं लेकिन इनको वेजिटेबल खाना है, कुछ उपाय नहीं है. हमारा लंच तो हो गया, बस बिट्टू रानी का लंच बाकी है. बिट्टू रानी, आर यू हंग्री? हाँ, टेल मी, आर यू हंग्री? हाँ, ओके, दिस इज योर लंच. व्हाट इज योर लंच? यस, लंच. लंच में आज क्या है बिट्टू रानी के लिए? दाल चावल. दाल चावल, खिचड़ी. तो पता नहीं ये अभी खाने का तो मूड में लग रही है, देख लेते हैं मूड में है क्या. इसको भूख भी लगा है, इसका पेट पूरा नीचे आ गया. मेरा भी मीटिंग है, मेरा मीटिंग शुरू भी हो गया होगा.
बस ये रहा हमारा अब रियल स्ट्रगल, इसे खिलाना कैसे है। ये रहा एकदम राइस दाल एंड वेजिटेबल्स का पूरा स्मैश किया हुआ। चलो बिट्टू रानी, ये टेस्टी टेस्टी कैसा कैसा लगा बिट्टू? इसका एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन देखिए, ये इसको ये पसंद है। अच्छा, राइस दाल इसे बहुत पसंद है शायद। राइस दाल इसको पसंद है। हाथ नहीं डालते, हाथ से बाद में खाएंगे, हाथ से बाद में। ओके, बाद में, अभी मम्मा के हाथ से खा लो, उसके बाद बाद में। व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट, खाने के टाइम नो हंसी। वाओ, मम्मा पापा भी आज दाल चावल ही खाए, सिर्फ अंडा खाया। अंडा तो आपको नहीं दे सकते है ना, अंडा अभी डॉक्टर मना किया है। और बेटो हो गया लंच, इसका फेस देखिए आप लोग, क्या करके रखी है फेस में। ओह माय गॉड, कटोरी पूरा खाली, दैट्स रियली ग्रेट। अभी मुंह में मत लगाओ, पूरा हाथ में लग जाएगा बिट्टू। नहीं नहीं करते, वेट वेट वेट, मम्मा पहले पोछ लेने दो मुंह। हाँ हाँ, यस यस, पूरा मुंह में लगा के, पूरा इसमें लगा दिया है, इसमें तो पहले ही लगा चुकी है, इसमें ये देखिए, इसमें लगा चुकी है बिट्टू। बिट्टू हो गया, पेट भर गया। How are you feeling now? Tell me. बताओ कैसा लग रहा, पेट भर के? हाँ, टमी फुल हो गया? अब खेलने का टाइम हो गया ना, या सोने का टाइम? ऐसा हालत में उल्टा हो जाती है, तो सोचिए कितना प्रेशर पड़ता है पेट में। पेट भर भरा हुआ है, उसके बाद ये अभी उल्टा हो जाएगी थोड़ा देर के बाद। Hey guys, good evening. तो शाम का टाइम है, तो ऑफिस वगैरह बंद करके अब थोड़ा वॉक पे चले। अभी भी ऑफिस बंद नहीं हुआ है, रात को मीटिंग है, शाम को तो अलग मीटिंग भी है ना। तो बोले कि अभी सर बहुत जाम हो गया, अभी तो निकलना ही है, थोड़ा घूमना है, तब जाके थोड़ा ठीक होगा। नहीं सीरियसली, मतलब थोड़ा बहुत वॉक एंड ऑल हो जाता है तो माइंड फ्रेश हो जाता है। माइंड फ्रेश बहुत जरूरी है, घर में रहते रहते मतलब, और इतना ज्यादा ये हो जाता है ना घर में, लगता है कि बहुत ज्यादा घर पे रहते रहते थकावट हो जाता है। ये रही बीटू, हेलो, क्या कर रही हो? आज पहचान गई, क्या बात है। चलो घूमने चलना है बिट्टू। हाँ बिट्टू, बिट्टू चलो। ये बंदा, ये बंदा को देख रहे हो आप, इसका नाम शायद पता होगा, हमारे बहुत पुराने व्लॉग में देखे थे जब हम होम शिफ्ट कर रहे थे। इस बंदे का नाम है आर्यांत, और ये कितने दिनों के बाद आया आज, वो भी वीकडेज में अचानक सरप्राइज विजिट करता है ये बंदा, और वो भी यहाँ पे आकर के काम कर रहा है। क्या करे, वैसे ही लाइफ है, क्या इसके साथ तो ऐसे ही चलेगा। अरे मैं बोलता हूँ कि आया करो, बता दिया करो पहले से, अच्छे से प्लान करके हम लोग मिलते हैं किसी दिन, बट आता नहीं है। किसी दिन तो आना पड़ेगा, प्लान सक्सेस होते हैं क्या? अनप्लान ही चीजें होती हैं। नहीं, तौसीफ भाई को भी लेकर के आना ना। तौसीफ भाई मतलब वो भी बहुत दिनों से नहीं आए हैं, हम लोग कितना दिनों से प्लान कर रहे हैं। तौसीफ भाई को दिखाएंगे, बोलेंगे देखो अकेले आया ये बंदा। चाय नहीं है ये, कॉफी है। सॉरी, ये बंदे का खासियत है चाय नहीं पिएगा, सिर्फ कॉफी पीता है। बहुत दिनों बाद हम कॉफी पी रहे हैं ना, हम तो कॉफी पीते नहीं, हम चाय पीते हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। मेरा तो फेवरेट है जिंजर टी। Tell everyone good night. So guys, it's 10 o'clock और अभी हम बैठे हैं अपना reaction video shoot करने के लिए, और Mrs. Pandit तो चॉकलेट लेके बैठी, स्टार्ट करने से पहले अपना फुल ऑन एनर्जी ले ले रही है, उसके बाद क्योंकि मैं एनर्जी पूरा फुल डाउन हूँ, सारा दिन ऑफिस करके मेरा फेस आँखों से पता चल रहा है, आई एम नॉट वेल एक्चुअली। सो एंड ऊपर से बेटू को खिला के अभी तो सो ही नहीं, सोएगी नहीं, हमको वीडियो करना है क्योंकि एवरी डे नहीं तो गैप हो जाता है, आप लोग भी गुस्सा हो जाते हो। डेली हमारा वही टारगेट रहता है कि एक एटलीस्ट वीडियो करना, एक वीडियो आप होना चाहिए, इसलिए हम सोचते हैं कि अपना डेली लाइफ का भी व्लॉग करते रहें डेली, ताकि एटलीस्ट रिएक्शन वीडियो नहीं तो एक व्लॉग हम दे सके अपने चैनल पे। वही बात है। सो बस आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे कल। टुमारो विल बी अगेन मेट अप, एंड यस, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल
प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस. ओके चलो बाय.